लैब में बैठा हुआ था और उसके सामने एक न्यूट्रल कंडक्टर पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? न्यूट्रल कंडक्टर। इसे इंटीग्रेशन बड़ा सा मत समझो, है ना। न्यूट्रल कंडक्टर पांडे के सामने पड़ा हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक कंडक्टर है न्यूट्रल कंडक्टर, इसे बैटरी के साथ लगा दो, जोड़ दो, तो करंट तो फ्लो होगा। मैं तुमसे पूछूं कि न्यूट्रल कंडक्टर है माना, ठीक है, बैटरी के साथ जोड़ जोड़ दिया, तो करंट दौड़ रहा है कंडक्टर के अंदर, वो भी माना, आई करंट अपना आई, है ना, वो अलग बात है। बट नेट चार्ज, मैं तुमसे पूछूं कि एक न्यूट्रल कंडक्टर में नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज मतलब, अरे नेट चार्ज मतलब वही ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। वो अलग बात है कि बैटरी से जोड़ दो तो इसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तार के अंदर दौड़ने लगते हैं। बट नेट चार्ज इन अ कंडक्टर कितना होता है हमेशा? नेट चार्ज इन अ न्यूट्रल कंडक्टर तो हमेशा जीरो होता है ना, क्यू नेट, जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट चार्ज तो हमेशा जीरो होता है, फाइन, है ना, राइट। तो पांडे ने क्या देखा? उसके सामने चुपचाप एक न्यूट्रल कंडक्टर वायर पड़ा हुआ था। पांडे ने क्या देखा कि उसने, पांडे ने क्या किया ना, उस वायर को बैटरी से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? बैटरी से, ठीक है, बढ़िया से समझ। तो पांडे क्या किया, वो न्यूट्रल कंडक्टर को बैटरी से वायर जोड़ दिया, तो करंट दौड़ने लगा। फिर उसने क्या किया ना, एक छोटा सा यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख दिया। क्या रख दिया? चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू, मान लो पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्यू रख दिया तो यहां से तो करंट दौड़ रहा है ना, यहां से तो फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो एक चार्ज पार्टिकल यहां पे रख दिया। अब बोलो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना? नहीं हुआ, नहीं हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं हुआ। उसने देखा कि ये चार्ज पार्टिकल को यहां रख दिया, ये चार्ज पार्टिकल यहीं पे था, लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन तो होना चाहिए था क्योंकि यहां से करंट दौड़ रहा है? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि इस कंडक्टर में हमेशा नेट चार्ज तो जीरो माना जाता है, तो ये एक चार्ज क्यू है, इधर अपना चार्ज नहीं है, यहाँ पे नेट क्यू नेट जीरो है ना। चार्जेस आर इन अ मूविंग कंडीशन बट क्यू नेट यहाँ पे तो जीरो है। ये कोई चार्ज्ड वायर नहीं है, चार्जेस इसके अंदर से फ्लो कर रहे हैं। बोलो क्लियर। अब तो पांडे ने क्या देखा, पांडे ने देखा कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उसने उस वायर के करंट दौड़ता हुआ वायर के बगल में आके रख दिया, तो उसे लगा कि फोर्स ऑफ फोर्स बिटवीन द दिस वायर एंड द चार्जेस होंगे, पर वो नहीं हुआ। तो उसने क्या लगा कि चलो भाई सही है, और वो चार्ज चार्ज पार्टिकल वहीं पर रखा हुआ था। अचानक पांडे को क्या मन हुआ, इस कंडक्टर को, मतलब ये चार्ज पार्टिकल को ना उसने ठेल दिया, थोड़ा सा ऊपर में पुश कर दिया, इस तरह से, ऐसे एक वी वेलोसिटी इम्पार्ट कर दिया। ये रेस्ट पे था चार्ज पार्टिकल, ये वी वेलोसिटी इम्पार्ट कर दिया। लेकिन जैसे उसने वी वेलोसिटी इम्पार्ट कर दिया ना, उसने क्या देखा, ये पार्टिकल सीधा जाने के बजाय ये पार्टिकल ऐसे करके घूम गया, ऐसे करके, ऐसे डिप, सॉरी, एरो देख के परेशान मत होना, वो टेक्निकल टर्म है, ठीक है, वो ये पार्टिकल इधर घूम गया है ना। अब ये देख के उसे वो चौंक गया, क्यों? क्योंकि उसे लगा ना दुबे, उसे लगा ये पार्टिकल ऐसे करके सीधा चला जाता तो कोई बात होता, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक वी वेलोसिटी इम्पार्ट किया, ये पार्टिकल एट रेस्ट पे था, मतलब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन लगाया, तो एक फाइनल वेलोसिटी रीच किया, ये सीधा अपना काइनेमेटिक्स सीधा चला जाता, लेकिन ये इधर घूम गया, मतलब इसके ऊपर कोई एक फोर्स तो लगा होगा, मतलब समझो ना, इसको चुपचाप सीधा चले जाने चाहिए था, लेकिन ये क्या किया, इसने एक अलग पाथ ले लिया, मतलब इसके ऊपर कोई एक और फोर्स तो लग रहा होगा कहीं से, एफ नेट के चलते ये ऐसे घूम गया। अब पांडे के दिमाग में आया, भाई ये कौन सा फोर्स है जो जिसके चलते इस पार्टिकल को इधर घूमना पड़ गया, मतलब उसे नहीं पता ये कौन सा फोर्स है, बट उसको इतना तो पता चला कि भाई कोई फोर्स तो है जिसके चलते पार्टिकल इधर घूम गया, लेकिन क्या वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर? नहीं, ये प्रूव्ड है कि वो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो है नहीं। क्यों? अरे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो इधर ही नहीं लग जाता, जब रेस्ट पे था तभी तो लगता, तब तो नहीं लगा,
लेकिन ये तब लगा जब ये पार्टिकल मूव किया, मतलब रेस्ट पे वो फोर्स, वो मिस्टीरियस फोर्स तो रेस्ट पे जब पार्टिकल होता है तब वो नहीं लगता है, लेकिन जब वो मोशन में होता है वो लगने लगता है। समझ में आ रहा है क्या? इस पार्टिकल मैं, अरे तुमने वो, अरे 9-10 में भी पढ़ा होगा, इसका नाम सुना है ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, वही बता रहा हूं मैं अपने स्टाइल में। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट का नाम है, इस बंदे ने बहुत कुछ किया था, फिर बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत कुछ किया है, लेकिन हाँ, लेकिन मैं उतना नहीं बता रहा हूँ, मैं बस काम की बात बता रहा हूँ, फालतू टाइम पास अपन नहीं करेंगे, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ कि एक पार्टिकल जब वो रेस्ट पे रहता है तब वो फोर्स नहीं लगता है, लेकिन वो फोर्स कब एक्शन में आता है? जब वो पार्टिकल मोशन में आने लगता है, और वो फोर्स क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, ठीक है। फिर बाद में और भी बहुत सारा रिसर्च किया गया दुबे, उन सबको मतलब उन सब के ऊपर और भी बहुत सारे एक्सटेंसिव रिसर्चेस किए गए और बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थ्योरी दी, तो फिर पता चला कि वो मैग्नेटिक फील्ड है। याद है तुम लोगों को मैं एक बार बता रहा था कि बेसिकली सब कुछ वाइब्रेशन से स्टार्ट होता है, और वाइब्रेशन इज नथिंग बट वाइब्रेशन के चलते वेव्स जनरेट होते हैं, और वेव्स इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफर मोड, है ना। और एक वेव जो होता है वो बेसिकली किस तरह से अपने पास रीच होता है, या फिर पूरे यूनिवर्स में ईएम वेव्स के तौर पे, है ना। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता है ना, तुम्हें बताया था कि एक थ्री डायमेंशनल होता है, एक डायरेक्शन में वो वेलोसिटी को लेके बढ़ता है, उसका एक डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे वो फोटो देखा होगा फिजिक्स केमिस्ट्री के बुक्स में बहुत ज़रा, एक इस तरफ जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड है, एक एक्सिस अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सिस अपना मैग्नेटिक फील्ड, और एक तीसरा एक्सिस जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऐसा कुछ बताया था तुम लोगों को। खैर, तो आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, वो एक दूसरा एक्सिस, इतना दिन हम लोग पढ़ रहे थे एक एक्सिस को, इतना दिन हम लोग एक एक्सिस को पढ़े, आज हम लोग एक दूसरा एक्सिस को पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर क्या हुआ, कहानी सुन, फिर पांडे ने भी बहुत सारा रिसर्च किया, फिर वो जो चार्ज पार्टिकल था, वो चार्ज पार्टिकल इधर मूव किया तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगा। अच्छा, फोर्स मतलब ही फील्ड है, तुम्हें पता है क्या? अरे हाँ, फोर्स मतलब ही तो फील्ड होता है ना, वो उस शुरू से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द चार्ज। तो यहाँ पे भी वही बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब ये जो मिस्टीरियस फोर्स है उसे बोला गया बाद में जाके मैग्नेटिक फोर्स। अब उसकी भी अपनी कहानी है, उसको बाद में जाके अचानक उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स क्यों बोला गया, क्योंकि देखा गया ये जो फोर्स का नेचर है ना, इसका जो फील्ड का जो प्रॉपर्टीज है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड से मैच खाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट देखा है तुम लोगों ने, ऐसे एक नॉर्थ साउथ मिला होता ऐसे सामने और टपाक, और एक नॉर्थ नॉर्थ मिला होता ऐसे ऐसे, मतलब देखा होगा मैग्नेट नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साउथ, है ना। तो वो जो फील्ड है ना, वो फील्ड के प्रॉपर्टीज इस फील्ड, इस फोर्स के फील्ड से मैच खाती थी, उसे बोला गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और वहीं से ये प्रूव हुआ कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है ना, एक करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी डिपिक्ट करता है, ठीक है। लेकिन वो अपने को नहीं पता चलता है, क्यों? क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सोच, हम लोगों ने बहुत कुछ किया पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नापते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहीं पे भी स्टैटिक, चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। आप कहीं पे भी चैप्टर में कहीं पे भी आप चार्ज को रख दो ना एट रेस्ट, आप वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नाप सकते हैं, लेकिन जब तक चार्जेस मोशन में नहीं आएंगे तब तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नाप नहीं सकते। इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आता है, चार्जेस जब रेस्ट पे होती है ना तो अपने को समझ में नहीं आता है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्यों? क्योंकि चार्ज जब तक मोशन में नहीं आएगा तो वो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, बट वो है। पहले बता, कहानी इस स्लॉट का कहानी क्लियर है क्या? मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लाया गया, मैग्नेटिक फील्ड को कैसे इन्वेंट किया गया, है ना, और उसको मैग्नेट के, बार मैग्नेट्स के प्रॉपर्टीज के साथ मैच करा के पता किया गया, हाँ ये वही प्रॉपर्टीज है जो मैग्नेट्स में होती है। बोलो क्लियर है क्या? पक्का? अब आते हैं आगे, अब इस चैप्टर को अब यहाँ पे पॉज कर। तो तुझे ये समझ में आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्सेस कैसे इन्वेंट किया गया।
अब यहां से ना चैप्टर को पढ़ने के दो पहलू है, यहां से चैप्टर को पढ़ने के दो पहलू है। पहला पहलू क्या है? पहला पहलू हम लोगों को ना मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन पे ले जाएगा, और दूसरा पहलू, एक्चुअली तीन पहलू है, दो नहीं, गलत हो जाएगा अगर दो बोलेंगे तो, खाएगी। तीसरा तीसरा पहलू जो ना बहुत छोटा है, एक पहलू अपने को मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन सिखाता है। यार जगह जगह पे मैग्नेटिक फील्ड, इनफाइनाइट वायर, शीट, स्पीयर, तो कंडक्टर, तो मतलब कहीं पे भी, अब एक्सियल पोजीशन, ब्रॉड साइड एंड पोजीशन, सब वापस आएगा। रिपीट टेलीकास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, मतलब हर जगह मेरे को जैसे ई ई ई निकालना सीखे थे, हर जगह पूरा एकदम बी 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 मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, निकालना सिखाया जाएगा। दूसरा चैप्टर का पहलू, मेरे को फोर्स निकालना सिखाया जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, मतलब जिसको तुम लोग अगर स्कूल वगैरह का क्लास एक आध गो किए होगे या फिर बुक देखे होंगे तो लॉरेंस फोर्स बोलते हैं, है ना, मैग्नेटिक फोर्सेस जो होते हैं ना, वो सब कैलकुलेशन सिखाया जाएगा। पहले आपको फील्ड सिखाएंगे, फिर आपको फोर्सेस सिखाएंगे, उसके बाद आपको टॉर्क सिखाया जाएगा, मतलब वो सॉलिनॉइड वगैरह में, टॉरॉयड वगैरह में। हालांकि वही वही पार्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा कम है ना, यही चल रहा है आजकल। हैंडशेक तो बंद हो गया 2020 में, खैर। सो एक अपना मैग्नेटिक फील्ड, एक अपना मैग्नेटिक फोर्स, और एक आपको टॉर्क निकालना सिखाया जाएगा। पहले बता, अभी जो तेरे को मैप दिया, ये मैप क्लियर है क्या? हाँ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पहले इन्वेंट किया, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का पढ़ाई, मैग्नेटिक फोर्स का पढ़ाई और टॉर्क का पढ़ाई, ये पूरा कुल हम लोग का मैग्नेटिज्म है। बोलो क्लियर। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में घुसेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के दो पहलू हैं, मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के दो पहलू हैं, एक्चुअली पहलू नहीं, उसे लॉज बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में। जैसे आपको पता है ना, मैं बताया था लॉ का कोई प्रूफ, लॉ लॉ होता है, हाँ वो अलग बात है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, जैसे न्यूटन्स लॉज, दोज आर यूनिवर्सल लॉज, वो उसमें कोई अब मतलब उसको प्रूफ करके नहीं लाया गया है, लॉ था वो, ऐसे समझना लॉज जो होते हैं ना वो भगवान की देन होती है, ठीक है, वो भगवान ने बोला तथास्तु और आ गया लॉ, ऐसा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, मतलब जो नेचर में हम लोग फंडामेंटली उसे देख देख के हाँ अच्छा ऐसा हो रहा है, हमेशा ये इंसिडेंट हमेशा हो रहा है, अच्छा इसके पीछे का साइंस क्या है, तब लगाया गया मैथमेटिक्स, तब आया उसका मैथमेटिकल डिडक्शन। बट लॉ लॉ होता है, लॉ का कोई प्रूफ, लॉ का कभी कोई प्रूफ नहीं होता, मतलब कोई मैथमेटिकल डिडक्शन से हेंस प्रूव्ड आज से ये लॉ है, ऐसा नहीं है। लॉ है तो उसका रीजन है, रीजन से लॉ नहीं आया है, याद रहना। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के दो रास्ते, अगर तुम लोग ने बुक्स वगैरह या फिर स्कूल के बातें सुनी होंगी, एक कहीं सुना है क्या, बायो सेवर्ट्स लॉ है ना, हाँ, एप्पल को गिरने का कोई रीजन नहीं है, गिरा है अब लॉ बना है उसका रीजन बनेगा, खैर। सो बायो सेवर्ट्स लॉ और एक है एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दो लॉज से, ये दोनों लॉज की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते हैं। किसका कैलकुलेशन? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ठीक है, नहीं सुना है कोई चाप नहीं, आज आज देख लो। तो मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। अच्छा, उसके पहले ना हम लोग आज दो एक लॉ बढ़िया से सीखेंगे, वो है बायो सेवर्ट्स लॉ। उससे पहले मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग क्या तुम लोग को पता है, छोटी छोटी बातें करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर? इसे नॉर्मली हम लोग बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब तो बोलते वेक्टर है स्केलर, हे भगवान, मतलब थोड़ा ज्यादा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? वेक्टर क्वांटिटी, ओके। यूनिट पता है क्या मैग्नेटिक फील्ड का? यूनिट सुना होगा, टेस्ला, गाड़ी गाड़ी का कंपनी नहीं है भाई, उसी के नाम पे है, उन्हीं के नाम पे है, टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, या फिर कई सारे यूनिट है इसका, एक होता है अपना वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं कभी कभी, है ना, एक रिलेशन भी होता है, बहुत यूनिट इंपॉर्टेंट है, 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, हाँ मतलब वही गॉस जो पढ़ के आया तुम लोगों ने,
वन वेवर मतलब होता है 10 टू द पावर 1 टेस्ला, सॉरी एसआई और सीजीएस का चक्कर है समझ लो, 1 टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस। खैर अच्छा, अब 12 में आके छोटा मोटा स्केलर पढ़ाइएगा नहीं, वेक्टर ही हो। ओ हो हो क्या बात है, ये लॉजिक है। अब 12 में आ गए तो छोटा मोटा स्केलर क्या पढ़ाएंगे, वेक्टर होगा। हाँ ठीक है, सो ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं। अच्छा एक और बात मैं क्या बोल रहा था, वो सब रूल सुना होगा तुम लोगों ने, जो 9-10 में बच्चों को बहुत छुटपुट रूल पढ़ाया जाता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, और साले 12 में आके भी निकम्मे टीचर पढ़ाते हैं, है ना, थंब रूल, पाम रूल, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, साला पैर का भी रूल निकाल दे बस चले इन लोगों को, तो सुना होगा। एक्चुअली एक परसेंट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, सारा बेकार रूल है। बस एक ही बात सत्य है इस जीवन का, ठीक है, कोई रूल नहीं, तुम्हें बस एक जीवन का सत्य याद रखना है। हाँ स्क्रू रूल, ये भी कम पड़ गया था, ठीक है, एक जीवन का सत्य याद रखना है, वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट आती है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आती है, आपको एक रूल भी एक आती है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आती है, आपको एक रूल भी एक परसेंट याद रखना है, क्वेश्चन याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ एग्जाम के लिए लिख सकते हो तो अपने को कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक भी रूल नहीं पढ़ा तो अपना काम नहीं चलेगा, 100% नहीं 200% चलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आएगा तो तुम्हें मैग्नेटिज्म का एक फॉर्मूला भी नहीं आएगा, मैग्नेटिज्म का सारा फॉर्मूला में क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट आता है क्या, पक्का आता है क्रॉस प्रोडक्ट सबको, रिस्पॉन्स दे दे अगर आता है तो, ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट। अच्छा आज थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट में, मैं सिंपल सा बात पूछूं, जैसे कि मान ले, अच्छा रुक जा पहले तू लोग को मैप देता हूं ताकि तू लोग ऑनलाइन में है ना बोल पाए। आइए आइए, ये अपना नॉर्थ, यार मैं तो नॉर्थ साउथ भूल गया, ईस्ट किधर है, इधर, हाँ ईस्ट इधर ही है, नॉर्थ साउथ, ये अपना ईस्ट, अपना वेस्ट, ये एनी, ये एसी, एसडब्ल्यू और एनडब्ल्यू, तुम्हें समझ में आ गया होगा है ना। मैं पूछूं तुम लोगों से सिंपल सारी बातें, मैं बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट की बातें कर रहे, देखो तुम लोग को आता है, मैं बोला कि सी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, ठीक है, बोलो क्लियर। अबे लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल सब यही है, क्रॉस प्रोडक्ट आइटम टाइम पास है, सी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, बोलो क्लियर। मैं तुमसे पूछूं कि इस डायरेक्शन में, अच्छा तुम्हें ये सब भी आता है ना, ये उस डायरेक्शन में ए वेक्टर, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर, बताओ सी वेक्टर का डायरेक्शन, सी वेक्टर का डायरेक्शन इस रूल से बताना है, इधर से बताना है, हाँ ये अंदर, हाँ तुम्हें ये वाला पता होना चाहिए, ये वाला क्रॉस और ये वाला डॉट, इसे आप बोल सकते हैं अंदर की ओर, है ना, ये होता है बाहर की ओर, बोलो क्लियर है क्या, इंग्लिश में इसे क्लॉकवाइज बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और ये अपना एंटी क्लॉकवाइज। खैर सी वेक्टर का डायरेक्शन क्या, डॉट आउटवर्ड्स, हाँ सही है, सी वेक्टर का डायरेक्शन देना आपको। अच्छा कैसे सिखाया था, क्या तुम्हें याद है एक बार सिखाया था तुम लोगों को, अरे हाँ तुम्हें याद है एक बार सिखाया था, अगर भूल गए हो तो दोबारा सिखाता हूँ, सुन लो, ठीक है, आपको बोला है ए क्रॉस बी ना, ए पे हाथ रखो बी पे क्लोज करो, जो थंब का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार चेक करते हैं ना अपन, ए पे हाथ रखा, ए देखो ऐसे, ए पे ऐसे किधर भी हाथ रख सकते हैं, किधर भी हाथ रख सकते हैं, है ना, पहले बता ए पे हाथ रखा हूं क्या मैं, अंदर मतलब अंदर होता है, आप किधर भी हाथ रख सकते हो, ये ए, ये अपना बी, देख तो बी के डायरेक्शन में क्लोज कर रहा हूं क्या, ए पे हाथ रखो बी पे क्लोज करो, थंब का डायरेक्शन, थंब का डायरेक्शन क्या है, थंब का डायरेक्शन है एस ई, साउथ ईस्ट, बोलो क्लियर है क्या, इधर सी वेक्टर इधर है,
नहीं समझ में आया तो बोलो, और समझ में आया तो रिस्पॉन्स दे दो, और अगर एक आध को और करवाना है प्रथम बता बताना पड़ेगा। आइए बी वेक्टर का डायरेक्शन और ए वेक्टर, आइए बोल के दिखाओ। डॉट प्रोडक्ट बढ़िया लेवल पे क्लियर रखो और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बताओ सही आंसर। ए पे हाथ रखो बी पे अच्छा ये अंदर है बाहर है, बाहर है मतलब ये ले, ये देखो ऐसे ऐसे है ना ऐसे, ये टिंग टिंग टिंग, कौन सा डायरेक्शन ऐसे, कौन सा डायरेक्शन, साउथ वे साउथ ईस्ट, सी वेक्टर। क्लियर है क्या? एक और दे क्या ना, साउथ ईस्ट। हाँ एक और जैसे ले, ए वेक्टर बी वेक्टर आंसर, चलो आंसर ए वेक्टर बी वेक्टर देना पड़ेगा। ये आखिरी वाला सही आंसर दे दे तो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। सही आंसर दे दे नेक्स्ट, ये वाला दे आंसर दे, गलत नहीं बोलना यार। ए पे हाथ रख बी पे क्लोज कर, बी बाहर है ये ले। कौन डायरेक्शन एनी, अरे यार सब कोई बोलो। क्यू पांडे ए पे हाथ रखो बी पे क्लोज करो, टिंग 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 टिंग, ईस्ट नहीं नॉर्थ ईस्ट है ना, तो बस सिंपल आपको क्रॉस प्रोडक्ट का अंदाज होना चाहिए। नेक्स्ट तो बायो सेवर्ट्स लॉ, कौन सा लॉ, बायोट सेवर्ट्स लॉ है ना, बायोट सेवर्ट्स लॉ, बायो सेवर्ट्स लॉ क्या बोला गया, हाँ सुने ध्यान से, बायो सेवर्ट्स लॉ क्या बोला गया, इन लोगों का कहना है, बढ़िया सुनना, बायो सेवर्ट्स बायो हैजर्ड लॉ, अच्छा ये लॉ मुझे नहीं पता। बायो सेवर्ट्स लॉ क्या बोला गया, बढ़िया सुने, कि अगर इस डायरेक्शन में करंट है मान लो आई, ठीक है, और मैं यहाँ पे आर दूरी पे है ना, मैं इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो आपको बोला गया कि यहाँ पे छोटा सा एक डीएल एलिमेंट ले लो। अच्छा डीएल, ये डीएल एलिमेंट, अरे जैसे हम लोग डीएक्स लेते हैं ना वैसे, एक छोटा सा डीएल, छोटा सा स्मॉल लेंथ का डीएल एलिमेंट काट लो, ठीक है, डीएल एलिमेंट और इधर आर वेक्टर। अच्छा ये पोजीशन वेक्टर है, मतलब मैं सिंपली बात बोलना चाहता हूँ, ये अपना करंट कैरिंग वायर आई करंट ऊपर भाग रहा है, एक आर दूरी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने किया, बायो सेवर्स जो थे उन्होंने किया, उन्होंने क्या लिखा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वो लिखे, छोटा सा डीएल लेंथ के लिए लिखे ना उन्होंने, तो डीबी एक छोटा सा छोटू मैग्नेटिक फील्ड लिखा उन्होंने, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, आई ब्रैकेट में डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मॉड का होल क्यूब, ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा उन्होंने बोला, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर का होल क्यूब लॉ है। क्या है लॉ, समझो इसका कोई प्रूफ, खैर यहां पे चीजों से परिचय तो करेंगे हम लोग। डीएल का डायरेक्शन होता है क्या, पूछ रहा हूं,
डीएल का डायरेक्शन होता है क्या? हाँ, डीएल जो है ना छोटा सा वेक्टर एलिमेंट है, क्योंकि डीएल का डायरेक्शन और करंट कैरिंग करंट का डायरेक्शन सेम है। हाँ, ठीक है, डीएल का डायरेक्शन और करंट कैरिंग वायर में करंट का डायरेक्शन सेम होता है। मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता सकते हो? इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डीएल क्रॉस आर, फॉर्मूला देख, ए क्रॉस बी अभी कर रहा था, ए पे हाथ रखो बी पे क्लोज करो, मतलब क्या होगा? डीएल पे हाथ रखो आर पे क्लोज करो, ऐसे टिंग 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 ये टिंग 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 अंदर या बाहर? अंदर, मतलब इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, बोलो क्लियर है क्या? तो उसका डायरेक्शन मिल गया मेरे को और मैग्नीट्यूड तो बायोट सेवर्ट साहब ने दे दिया। सो डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू डीएल क्रॉस आर बाई मॉड आर का वेक्टर का होल क्यूब। एक मिनट, ये म्यू नॉट क्या होता है? इसको बोलते हैं, म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक, या फिर वैसे नहीं पढ़ो, लिखो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यार एक बात बता, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई नॉट पढ़ा था ना, वो क्या था ना, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी है ना, और उसका एक वैल्यू होता था ना 8.85 × 10⁻¹² ऐसा कुछ था है ना, रिलेटिव परमिटिविटी होता था ई आर, और ये ई नॉट होता था। उसी तरह से इस दुनिया में ये म्यू नॉट, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या फिर परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, बोलो क्लियर है क्या? ओके, सो ये आपको बोला गया, लेकिन इसका एक वैल्यू होता है, क्या बोलते हो यार? वैल्यू लिख दूं या फिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है उसका एक उपाय बताऊं? मैंने वैल्यू लिख दूं या कैलकुलेट किया जाता है उसका उपाय बताएं? हालांकि उपाय बता देता हूं ना, हाँ मैं उपाय बता देता हूं, हालांकि कैलकुलेट करो नहीं करो आपको तो वैल्यू रटना ही है। वैल्यू तो ऐसे म्यू नॉट का वैल्यू होता है, म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? 4π × 10⁻¹⁷ मीटर पर एम्पियर, ऐसे होता है म्यू नॉट का वैल्यू है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हाँ, ठीक है, मतलब अगर इसका अगर कैसे निकाला जाता है इसका कहानी सुनेगा तो उसका तो अपना ही एक कहानी है, हालांकि वो भी पढ़ा चुका हूँ तुम्हें। अगर कॉपियों को खोलोगे ना, अपना पुराने नोट्स कॉपियों को खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा। यार याद है क्या तुम लोग को एक बार, हालांकि वो भी पढ़ा चुका हूँ तुम्हें, अगर कॉपियों को खोलोगे ना अपना पुराने नोट्स कॉपियों को खोलोगे तो तुम्हें दिखेगा। यार याद है क्या तुम लोग को एक बार क्लास 11th में मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था, और मुझे याद है ऑप्टिक्स का स्टार्टिंग क्लास में मैं जब वो पढ़ा रहा था ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस समय एक फॉर्मूला लिखवाया था मैं, जब मैं रे ऑप्टिक्स 11th में तुम लोगों को पढ़ा रहा था उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला लिखा था मैं, क्या तुम्हें याद है ऐसा कोई फॉर्मूला? सी इक्वल्स टू 1/√ म्यू नॉट ई नॉट। ये बहुत ही रेयरली यूज फॉर्मूलाज में से एक है, ये बहुत ही ज्यादा रेयरली यूज फॉर्मूलाज में से एक है। ऐसा फॉर्मूला याद है क्या? मैं एक बार लिखाया तो 100% हूं रे ऑप्टिक्स क्लास 11 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्सप्लेनेशन में, ये फॉर्मूला सी इक्वल्स टू 1/√ म्यू नॉट ई नॉट। मैंने बोला था कि जो कि लाइट स्पीड को कैसे कैलकुलेट करते पता, आपको ज्यादा नहीं बताएंगे। लाइट स्पीड जो होता है ना, इट्स एन ईएम वेव अगेन इन अ विजिबल स्पेक्ट्रम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक परमिएबिलिटी 1/√ वो दोनों वैल्यू आपको लाइट स्पीड देती है, ठीक है। अब इसका अपना प्रूफ आपको हायर स्टडीज में मिलेगा, उसको मत मांगो यार। आप समझो कि लाइट का स्पीड इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से आता है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता बट ऐसा होता है, ठीक है।
आप यहाँ पे ई नॉट के वैल्यूज को रख सकते हो। आप यहाँ पे सी का जगह पे, सी का वैल्यू आपको पता है, आप सी स्क्वायर ले लो, उसे इक्वल टू वन अपॉन म्यू नॉट ई नॉट ले लो और इसको यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर दो, तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है 3 × 10⁸, मतलब 9 × 10⁻⁶ इंटू 8.85 × 10⁻¹². सही लिख रहा हूँ क्या? अरे गलत तो नहीं लिखा, हाँ ऐसा ही कुछ है। अब तू देख यहाँ पे 10, यहाँ पे -12, तो मतलब प्लस 4 है, ऊपर गया -4, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर, 8.85 9 मतलब क्या, लगभग लगभग 1/80 ले लो ना, 1/80, अरे 9 × 9 = 81 होता है ना, × 10⁻⁴ है ना। अब 1/80 को कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो अच्छा 4π कितना होता है, 4π मतलब, पाई मतलब 3.14 और 4 4 × 3 = 12, 13 के आसपास होता है ना, 13, यहाँ पे 13 और 1/80 का कैलकुलेशन कर यार, मेरे पास मोबाइल नहीं है यार, कोई करके देना 1/80 को पॉइंट में लाके देना। देखो मेरा कंप्यूटर में कैलकुलेटर है कि नहीं, जीवन में खोला नहीं हूँ। अच्छा 0.012 आई, तो अनुप दे दिया, सही है हो गया, कितना बोला 0.012, ऐ देख 0.0125 × 10⁻⁴, ऐ देख 1, 2, 3 पॉइंट हटा, 12.5 × 10⁻⁷। अबे 12.5 लगभग लगभग 4π होता है, ले आ गया म्यू नॉट का वैल्यू, देख बोल समझ आया क्या? अरे वो डेटा चाहिए था, मेरे पास फोन नहीं है ना, देख 12.5 × 10⁻⁷ लगभग लगभग 4π है, हाँ देख आ गया, बोल क्लियर है क्या? अब तू ये जो मैजिक फॉर्मूला है ना, इससे आप कुछ भी कर सकते हो, आप सी का वैल्यू भी इसी से एस्टेब्लिश कर सकते हो, म्यू नॉट ई नॉट का परमेबिलिटीज रख दो और तो आपको सी मिल जाएगा। अरे समझ आ रहा है क्या? मैं तो बस तसल्ली करवा रहा था अपने को, क्या काम है, म्यू नॉट तो रटना ही है। अरे हाँ यार ऐसा बहुत सारा फॉर्मूला तो पता है, तुम देख लो, समझ आ रहा है क्या ढंग से? चैप्टर का ग्रिप ऐसे होना चाहिए या फिर कुछ भी पूछ लो आपसे, क्या फर्क पड़ता है, सही है क्या? अरे सही है, अच्छा लगा तो थोड़ा लाइक करना यार, लाइक वाइक आता नहीं है, खैर ये तो अपना टाइम पास था। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, तो अपना बायो सेवर्ट्स लॉ, तो बायो सेवर्ट्स लॉ का एक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हो जाए, है ना। डीबी पहले तो फॉर्मूला लिख लेता हूँ, डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4π इंटू आई ब्रैकेट में डीएल क्रॉस आर, है ना, अपॉन आर, आर का मॉड आर वेक्टर का होल क्यूब। ओके सो आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब सोचो तो मैंने तुम्हें अलग से टाइम पास करवाना पड़ेगा क्या कि डीएल क्रॉस आर, जैसे मैं तुम्हें पूछ लूँ कि ये रहा अपना करेंट, प्रतीक आंसर दे, ये अपना करेंट का डायरेक्शन, ये टिंग निंग 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 इधर, यहाँ पे आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना पड़ेगा क्या, ये कर सकते हो। और क्या डीएल क्रॉस आर, डीएल मतलब ये आई का डायरेक्शन, अरे डीएल का डायरेक्शन आई का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है कि अलग? सेम होता है ना, तो आई पे हाथ रखो आर पे क्लोज करो, ऐसे आई पे हाथ रख दिया आर पे क्लोज, टिंग निंग निंग, बाहर अंदर बाहर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर, ऐसे पूछ लो, ले प्रतीक आई, निंग 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 निंग, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बोलना पड़ेगा, बोलो इधर बोल, तो फुल टाइम पास है यार, अरे बोल सकते हो क्या, बोल दे अंदर बाहर बोल, आई पे हाथ रखो आर पे क्लोज करो, अंदर, सही है डोना, बोल तो देखिए इटा, करंट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आर, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड बोलो, बोल तो ये वाला देखे इनवर्ट अंदर, ठीक है ये वाला बोल तो, ये करंट है और ये आर है, तो डीएल उधर ही होगा कहीं अंदर, ऐसे होगा क्या,
डायरेक्शन बोलना पड़ेगा। हाँ सही है, इस डायरेक्शन पे होगा ना। बोल ये सब पिक्चर सबको क्लियर है? ये सारा पिक्चर क्लियर है क्या? 10 बार करके ये और नहीं पढ़ाना है, तुम लोग समझ गए। ओके अब कहानी आगे सुनो। तो मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन, मैंने बोला कि मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म चैप्टर कैसे जन्म लिया हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोगों को ये भी पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स तो है ही है। उसके बाद मैंने ये देखा कि आगे चैप्टर को पढ़ने के 3 पहलू हैं, एक है फील्ड का कैलकुलेशन, एक है फोर्स का कैलकुलेशन, एक है टॉर्क, है ना। और आगे जैसे फील्ड का कैलकुलेशन पे उतर आया, जब भी मैंने फील्ड का कैलकुलेशन पे उतर आया तो मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के 2 पहलू थे, एक है बायोसेवर्ट्स लॉ, दूसरा क्या है, दूसरा अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। अब जैसे ही मैंने बायोसेवर्ट्स लॉ, ये जो है ना, बायोसेवर्ट्स लॉ को पढ़ने का कैलकुलेशन किया, अब बायोसेवर्ट्स लॉ के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं। क्या आते हैं? एप्लीकेशन। बायोसेवर्ट्स लॉ का बहुत सारे एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड। अगेन फिर से एक ही बात बोलूंगा, टोरॉइड वाला बहुत ही हल्का और मतलब नेग्लिजिबल टॉपिक है विथ रिस्पेक्ट टू जेई मेंस ऑल्सो, है ना। टोरॉइड के कैलकुलेशन एडवांस में बहुत ज़्यादा आते हैं। खैर अपने को सॉलिनॉइड तक इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिनॉइड, ये सारे एप्लीकेशन पार्ट्स हैं। बोलो क्लियर? अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाओ तुम लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। एक बात मेरे को बता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर मतलब, मैं तुमसे सिंपल सा बात पूछूं कि ये सब रिपीट टेलीकास्ट है भाई, ये सब पढ़ चुका है तू लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुका है। मैंने बोला कि ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर दूरी पे, ऐसे एक परपेंडिकुलर दूरी ले लिया मैंने, मान लो डी। मैं बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है बताना पड़ेगा, ये सब किया हुआ है ना। कैसे करते थे हम लोग? हाँ पांडे, ये तुम लोगों ने अगर याद होगा कि यहाँ से एक इस एंड पे और यहाँ से एक इस एंड पे हम लोग ये एक थीटा 1 ले लेते थे, है ना, और यहाँ पे एक थीटा 2 ले लेते थे, और एक काम करता हूँ वहां पे भी लिया था, इधर ना मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डी वाई, वहां पे भी लिया था, है ना, डी वाई, ये तो अपना परपेंडिकुलर है, और ये डी वाई जो होता है, ये डी वाई यहाँ पे एक थीटा एलिमेंट ले लो, और ये डी थीटा, माने थीटा पे जाके एक डी थीटा पे एक डी वाई एलिमेंट कट किए, है ना, और वायर का एकदम टॉप एंड को हम लोग बोलते हैं थीटा 1, और बॉटम एंड मिडिल से लेकर लास्ट बॉटम एंड तक को हम लोग बोलते हैं थीटा 2। ऐसा कोई डायग्राम था क्या? हाँ, तो अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो अपना वही है ना, डी बी छोटू मैग्नेटिक इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ब्रैकेट में डी एल, यहाँ पे डी एल होगा या डी वाई होगा, सही बात है, यहाँ तो डी वाई होगा, डी वाई क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड आर का होल क्यूब। ए प्रतीक एक बात बता मेरे को, यहाँ पे आर वेक्टर कौन है भाई? अबे यार तुम लोग ध्यान से देखो तो ये आर वेक्टर तुमको ये पूरा लेंथ नहीं लग रहा है? तू बहुत ध्यान से देख कि इस लेंथ को अगर तूने वाई माना, इसको अगर तूने डी माना, तो ये लेंथ क्या डी सेक थीटा है? दुबे देख तो जरा, यहाँ पे कॉस थीटा देख, कॉस थीटा क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बराबर आ जाएगा कुछ ले लो ना, हाइपोटेन्यूज डी वाई कुछ, डी वाई कुछ, देख गलत तो नहीं बोला? हाँ तो कुछ क्या आ जाएगा, कुछ ही तो आर है,
तो कुछ क्या आ जाएगा रे? हाँ कुछ हो जाएगा अपना डी सेक थीटा, सही तो है। अच्छा ये बात तो क्लियर है, लेकिन ये डी डीएल जो एलिमेंट है इधर, जिसको हम लोग डी वाई बोलते हैं, डी वाई का डायरेक्शन किधर है? ऊपर, और आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर। मैं क्या बोलता हूँ, अरे अरे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट में तो फॉर्मूला ए क्रॉस बी, मतलब तो ए बी साइन थीटा होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पांडे, अगर ए बी साइन थीटा है, ए बी साइन थीटा में थीटा कौन है? अरे ए और बी के बीच का एंगल। तो यहाँ पे डी वाई और आर के बीच का एंगल कितना है? तुम ध्यान से देखो, तो डी वाई का डायरेक्शन ऊपर, आर का डायरेक्शन इधर, क्या ये अपना थीटा टो है? इसे आप 90 प्लस थीटा बोल सकते हो शायद, देखो 9 थीटा हो गया, सॉरी 90, अबे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा ना, देखो वो एंगल तो 90 प्लस थीटा है क्या? और वही एंगल है, आप कुछ भी कर लो वो एंगल तो वही है ना। ओके तो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा, आई इंटू इंटू नहीं आई डी वाई, आर मतलब होता है तेरा डी सेक थीटा है ना, इंटू साइन 90 प्लस थीटा। देख जरा गलत तो नहीं लिखा, सब कोई देख, और नीचे क्या है? अरे नीचे तो डी क्यूब सेक क्यूब थीटा है, मॉड आर वेक्टर का होल क्यूब ना, गलत तो नहीं लिखा दुबे प्रतीक? अच्छा अब एक बात बता, ये डी वाई, इस डी वाई को तो कहीं से लाना पड़ेगा है ना, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए डोना? हाँ अरे यार ये ट्राइंगल देख, ये ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देख, तो ट्राइंगल में टेन थीटा को क्या लिख सकते हो आप? टेन थीटा को ध्यान से देखो तो आप लिख सकते हो वाई बाई डी, क्या बोलते हो यार, है कि नहीं? इसको डी को उधर मल्टीप्लाई करते हो तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, डी टेन थीटा, डी टेन थीटा। आप बहुत बढ़िया सोचो, इसको डिफ्रेंशिएट मार दो तो क्या आएगा, थीटा के रिस्पेक्ट पे डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या, डी सेक स्क्वायर थीटा। तो डी वाई यहां से निकल आएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अबे ये एग्जैक्ट चीज उधर भी किया था ना, कुछ नया नहीं कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट चीज, कोई खास बात नहीं, एकदम क्रांतिकारी चीज जिससे एकदम रिवोल्यूशन जनरेट हो जाए मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना आई इंटू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये पूरा अपने डी वाई लिखा ना मैंने, और यहाँ पे एक डी सेक थीटा तो है ही। अरे साइन 90 प्लस थीटा, यार ये कॉस थीटा होता है, हाँ हाँ माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, इनटू अपना डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, है कि नहीं? तो ध्यान से देख, एक सेक सेक स्क्वायर इससे कट गया, एक एक यार एक डी बच गया, तो डी एक बचा है, तो क्या बचा ध्यान से देखो, तो क्या बचा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अरे सही है क्या ये, वैसे है क्या ये, है तो अपना डी बी छोटू मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे रुक जा प्रतीक, अब यहां पे बातचीत करते हैं थोड़ा सा, क्या करते हैं बातचीत, अरे हाँ यार एकदम सेम है, यहां पे बातचीत क्या करते हैं, हाँ अभी ये तो जो भी निकाला, ये जो भी सिंप्लीफाइड वर्जन निकाला, ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये किसके वजह से है, वो डी वाई एलिमेंट के वजह से, वो छोटा पूरा तार में एक छोटा सा एलिमेंट लिया उसकी वजह से ये है। अच्छा अगर पूरा तार के लिए निकलना हो तो आपके दिमाग में बात चमक गया है, हाँ करेगा अभी इंटीग्रेट करेगा, लेकिन वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा क्या है इसका, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर बाहर किधर है, देखना डी वाई पे हाथ रख आर की ओर क्लोज कर, तुझे यहाँ पे अंदर की ओर दिखेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, इस डी वाई को अगर यहां रख दू, अरे मतलब ये एलिमेंट को अगर नीचे लिया होता तब भी क्या वो अंदर ही होता या शायद बाहर भी हो सकता था, क्यों? क्योंकि अगर मान ले इस डी वाई का लोकेशन को चेंज करने से अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर बाहर होने लगता है तो फिर बी नेट वाली बात आ जाएगी, आप चुपचाप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, लेकिन अगर यहां रखने के वजह से भी वो अंदर ही है तो टेंशन नहीं है, मार दियो इंटीग्रेट, देख ले एक बार, क्या तभी भी अंदर ही है? अबे इस डीवाई को कहीं पे भी बैठा के टेस्ट मारो, हर बार अंदर आ रहा है या कभी बाहर भी आ सकता है, बोलना पड़ेगा यार लॉजिक के साथ, हर बार अंदर ही जा रहा है या बाहर भी कभी आ सकता है? डीवाई को कहीं, डीवाई का लोकेशन ऑल्टर कर दूंगा तो
हाँ, अरे हर बार अंदर ही जाएगा, वो बाहर तब आएगा ना जब डीएल का, सॉरी डीवाई का डायरेक्शन चेंज कर दो, करंट को उल्टा फ्लो करवा देंगे ना, तो भले वो बाहर आ जाएगा। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि वायर का उस ऊपर वाला हिस्से में करंट ऊपर जा रहा है और इधर नीचे आ रहा है, या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। तो मतलब एक बात तो क्लैरिटी है कि इंटीग्रेट चुपचाप मार सकते हैं ना, वो भी मैं पहले क्लियर कर दिया, ऐसे थोड़ी मार देंगे इंटीग्रेट। आ जाए तो अगर इसको इंटीग्रेट मारना है तो क्या किया जाएगा, अपना डीबी इंटीग्रेशन 0 से लेके बी तक है ना, और इधर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे ने, तू ध्यान से देख, तो इंटीग्रेट हो जाएगा -θ2 से +θ1। याद है तू लोग को उधर का या भूल गया, -θ2 से θ1 क्या? अच्छा, तो यहां पे आएगा अपना बी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा की, -sin θ यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बैठेगा -θ2 से θ1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ब्रैकेट में आएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो sin θ1 प्लस sin θ2। आयुष कुमार, ऐसा बताया था तू लोग को याद है क्या, उधर भी सेम बताया था डिट्टो, याद है क्या? एकदम डिट्टो सेम, मैग्नेटिक फील्ड के लिए निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी बताया था है ना, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, अब सेमी इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर है ना, कोई एंगल वेंगल दे देंगे। बोलो क्लियर है क्या? अब सुने एक और इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, ये फॉर्मूला के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मिटा दूं क्या, ये वाला मिटा दूं क्या? अच्छा -θ क्यों? अरे वो माइनस इसलिए क्योंकि ये जो मतलब आपका डायरेक्शन डायग्राम है ना, आप अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ले तो ये तो आपका नेगेटिव होगा ना, तो ये आपका -θ है, इसलिए आपको वो -θ2 लिया गया। डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑपोजिट होने से तो साइन चेंज होता है ना, वो उसलिए। अच्छा ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में अंदर आएगा बाहर, अरे बाप रे, वो तो बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन कर दिया तूने। देख उस एस्पेक्ट को अपन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें समझा तेरा पॉइंट समझा, ऑल्टरनेटिंग करंट के वजह से तो जो तेरा फ्रीक्वेंसी है वो पलटते रहता है ना, लेकिन इसका आपका अभी तक तो मैंने कोई सिलेबस में कोई जगह देखा नहीं कि एसी के वजह से अंदर या बाहर आएगा, वही सवाल है ना तेरा कि एसी के वजह से क्या फ्लक्चुएट करेगा मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, अंदर बाहर अंदर बाहर। नहीं, अपन ये जो आई पढ़ रहे हैं ना, इसे आप डायरेक्ट करंट समझो, ठीक है ना, एसी सप्लाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका कैलकुलेशन आपके कोर्स में नहीं है, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सोचा भी नहीं है ना, क्योंकि सिलेबस में भी नहीं है तो मेरा ध्यान नहीं गया है। अब तू बोला, नहीं तू बोला तो अब थोड़ा सा कुछ सोच के बता पाऊंगा, अभी इंस्टेंट मेरा दिमाग में कोई आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है सोचता हूँ, थोड़ा सा सोचूंगा तो आंसर निकल जाएगा, आगे देखते हैं। खैर अच्छा सोच, अगर मैं बोलूँ कि ये तो फाइनाइट वायर था, फुल्ली इन अच्छा इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट वायर के लिए, नहीं क्वेश्चन अच्छा है, सोचूंगा मैं पक्का सोचूंगा, इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट वायर के लिए जब ये फॉर्मूला आप सीख गए ना तो फिर कोई टेंशन ही बात नहीं है। अरे इनफाइनाइट वायर के लिए θ1 θ2 को क्या पकड़ेगा बोलो, अब इसको डी पकड़ लिए, θ1 θ2 को क्या पकड़ेंगे, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी क्या पकड़ा जाएगा। अरे अगर वायर इनफाइनाइट होगा तो क्या ये θ1 और θ2 दोनों 90 नहीं होगा, है ना, दोनों 90 होना चाहिए, तो
तो यहाँ पे आना चाहिए एक साइन 90 प्लस साइन 90। ये साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस 1 2, तो सीधा क्या आएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। पांडे एक बात बताना, तो इनफाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट वायर बोल के कुछ होता है क्या? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इनफाइनाइट वायर बोल के कुछ होता है क्या पांडे? यार बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम लोग, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, इनफाइनाइट वायर बोल के कुछ होता है क्या? तो इनफाइनाइट सिचुएशन कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था। इनफाइनाइट सिचुएशन तो आप एक मीटर का छोटा वायर में भी क्रिएट कर सकते हो। मान लो एक मीटर वायर है, ठीक है, और ये जो डी है ना, डी आपका 0.01 सेंटीमीटर है। बोलो ये इनफाइनाइट केस है कि नहीं? वी नीड टू बी कॉशियस व्हाइल सीइंग द डेटा, उसी में पता चल जाएगा। हाँ देख ले, एक मीटर का वायर में भी आप इनफाइनाइट क्रिएट कर सकते हैं, अगर डी ले लो 0.01, ऊपर से सेंटीमीटर, ये भी नहीं कि कुछ मीटर ले ले, है ना? तो ये भी अपना इनफाइनाइट का सिचुएशन है। अच्छा, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दैट फॉर्म्यूला, इसे भी आप नोट डाउन करिए, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? फर्स्ट पॉइंट, this d, it should be, it must be perpendicular to the wire, hai na? What about both the thetas, theta 1 and theta 2? It must be taken from, ये सब रूल्स है, टेकन फ्रॉम द सेंटर एंड इन ऑपोजिट सेंस, इन ऑपोजिट सेंस। बोलो क्लियर? ये दो रूल अपने को एकदम बाई हार्ट याद रहना चाहिए, और ये फॉर्मूला तो अपने को रात 2 बजे भी याद होना चाहिए भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब अभी जो चल रहा है मैग्नेटिज्म, एकदम सॉलिड हॉट टॉपिक है, आप कुछ नहीं छोड़ सकते, 99% भी नहीं, इससे भी ज्यादा का चांसेस है, ये सब कभी भी आ सकता है कहीं पे भी, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते एकदम। इसीलिए बोल रहा हूँ एकदम बाई हार्ट करके एक एक चीज को पिन पॉइंट क्लैरिटी पे पढ़िए, ठीक है? आओ एक सवाल, किससे पूछूं? सैडी, सैडी एक सवाल सुन, मैं तेरे को बोला कि अपना एक मीटर वायर, ठीक है, और यहाँ पे डी का वैल्यू तेरे को दे दिया 0.5 मीटर, ठीक, एक इसको 5 मीटर पकड़ लो, 5 मीटर। मैं इस जगह पे बोला ये एंगल अपना 60 डिग्री, ये एंगल अपना 30 डिग्री, मैं बोला यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, करंट का डायरेक्शन आई दे दिया, करंट का डायरेक्शन आई दे दिया मतलब तुम समझ गए करंट अंदर। बताओ बी क्या लिखा जाएगा, लिख सकते हैं क्या, यस और नो, लिख सकते हैं क्या बी का वैल्यू क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट आई, अरे ले लो ना यार, आई फाइव भूल गया, आई लो, लो खुश हो जाओ, 2 एम्पियर, म्यू नॉट इंटू 4 पाई डी, कितना इंटू 0.5। भाई कैलकुलेट करना मकसद ही नहीं है, देखो कैसे पुट होता है ना, थीटा का ही तो खेल है। यहाँ पे थीटा 1 क्या लेंगे, साइन थीटा, साइन 60 प्लस साइन 30। बोलो क्लियर? ऐसे ही लेंगे ना, ए मैं कैलकुलेट भी नहीं करने वाला, देख तो ऐसे लेंगे कि नहीं। ये पूछ लूं, ये एंगल बोला 30, ये भी एंगल बोला 30, इस लेंथ को ए मीटर बोल दिया, ए लेंथ ले लो ना, अब मीटर फीटर क्या है, ए, ये ए लेंथ है, ये 30, ये 30, या मैग्नेटिक फील्ड बोलना पड़ेगा यार, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, पहले बता डायरेक्शन, अच्छा ले करंट का फ्लो, मतलब ये अंदर है ना,
मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखा जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। अच्छा डी कितना होगा रे यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब ध्यान ही नहीं दिया। डी कितना होगा यहाँ पे, कोई बता सकता है कि यहाँ पे डी कितना होगा? ये भी लेंथ दे देता हूँ वरना डी नहीं निकलेगा, ये लेंथ बी ले ले, इस लेंथ को बी ले लो। तू ध्यान से देख, तो इस ट्रायंगल को देखेंगे, ये तो लेंथ है ना, इसको कुछ ले लो कुछ। इस ट्रायंगल में कॉस थीटा सोचो, कॉस 30 इक्वल टू शायद आएगा कुछ बाई बी। बी कितना आएगा, हाँ कुछ कितना आएगा, कुछ आएगा तेरा बी कॉस 30। सही लिखा क्या? और बी कॉस 30 डी है क्या? हाँ, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू बी कॉस 30। कैलकुलेट करना मकसद नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, थीटा का हिसाब देखो। हाँ सही है। अरे यार यहाँ पे थीटा वन कौन सा होगा रे, थीटा वन कितना होगा? थीटा वन होगा देख साइन 60। थीटा टू बता तो देखें, 30। अरे इसी के लिए तो पूरा सवाल उठाया हूँ, ये माइनस टू के लिए। दिब्बायोन देख, साइन ऑफ माइनस 30 होगा। अरे यार ये देखना, सेंटर से थीटा टू मतलब क्या होता है? थीटा वन होता है जो टॉप को देखता है, थीटा टू होता है जो बॉटम को देखता है। हाँ तो टॉप भैया सही है, 60 डिग्री, मस्त, कोई चाप नहीं है। और अपना ही सेंस में, इस सेंस को अगर मैं क्लॉकवाइज पकड़ू है ना, तो थीटा टू तो उल्टा होना चाहिए था ना इस लाइन के नीचे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, उसका बॉटम ही इस लाइन के ऊपर है, तो इसको माइनस 30 लेना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जानी हमी, तो मैंने ऐसे लिखा ताकि मैटर और क्लियर रहे। पहले बता सबको क्लियर है क्या, ये कैसे लिखा? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी कॉस 30 ब्रैकेट में साइन 60 प्लस साइन ऑफ माइनस 30। बोलना पड़ेगा यार, एक आध को और देख, एक्सपर्टाइजेशन चाहिए। ओके हाँ नवीन एक बात बता, मैं बोलू सेमी इनफाइनाइट वायर, मतलब ऐसे ऊपर चला गया, ये अपना डी करंट आई, सेमी इनफाइनाइट वायर, ये ऊपर ऐसे ऐसे चल गया और ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन तो अंदर है, क्या लिखा जाए? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। थीटा का क्या खेल है, बोलो बोलो बोलो, थीटा वन कितना? 90। थीटा टू कितना? 0। आंसर कितना? म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। बोलो क्लियर है क्या? सेमी इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, फुल्ली इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, क्योंकि 1 + 1 होता है वहां पे 2, डोना माइनस ना प्लस, प्लस लेख माझे, 0 होलो तो क्यों होलो, प्लस लेख, टेक्निकली करेक्ट थक भी। अच्छा और क्या क्या पढ़े अपन ने, हाँ एक और कर लेते हैं, आजा उसमें भी मजा आएगा, आइए डिट्टो सेम। कौन सा करे हाँ ये वाला, ये इधर अपना आई, दुबे पकड़ ले ये वाला ना, 45 डिग्रीज है, ठीक है, यहाँ पे अपना आई, ये 45 डिग्रीज, बताओ इसको मैं बोला, ये लेंथ यहां से ये लेंथ है डी, मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे, मैग्नेटिक फील्ड बताओ, बताना पड़ेगा उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड।
पहली बात ये डी हुआ तो क्या हुआ, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं, तो मतलब इसे अगर हम लोग चाहें तो ऐसे करके बैक एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, हाँ दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसे ऐसे करके चाहे तो बैक एक्सटेंड कर लो आप, है ना, जिससे यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो आप। ये 45, ये 90, मतलब ये भी 45। सोच, ये 45, ये हाइपोटेन्यूज, मतलब ये डी साइन 45। अच्छा अलग बात है, साइन 45 कॉस भी एक ही बात है, ये 45 मतलब ये भी 45, मतलब एक ही बात है, कुछ भी लिख दो, डी कॉस 45, है ना। तो हिसाब से ये डी हुआ ना अपना। अब सोच, अगर यहां से लेके यही तक ही है प्रति, तो इसका टॉप एंड कितना हुआ? बोलना पड़ेगा, इसका टॉप एंड कितना हुआ? अच्छा वैसे तो ये बता दूं, ये पूरा इनफाइनाइट है, ये चलता गया है। अब बताओ, वो चलता गया है तो इसका टॉप एंड कितना होगा? इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे तो क्या लिखोगे? क्या म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी कॉस 45? क्या बोलते हो यार? थीटा को क्या लिखा जाएगा? लिखिए थीटा, थीटा लिखना ही आर्ट है। एक साइन 90 है क्या? टॉप एंड, टॉप एंड साइन 90 है क्या? हाँ। प्लस तू ध्यान से देख, बॉटम एंड क्या साइन ऑफ -45? सब लोग देख, तो कोई सहमत नहीं हो तो बोलना। देख जरा आंसर लिखाऊं, आंसर म्यू नॉट बाई 4 पाई डी कॉस 45 साइन 90। हाँ एक तो साइन 90 है और -45, क्लियर है क्या? पक्का? अरे हाँ यार, वो उसी सेंटर सेंटर लाइन का ऊपर ही है ना दोनों थीटा, तो एक माइनस आएगा बॉटम एंड। अच्छा से आया आई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, ये स्क्वायर है, स्क्वायर साइड ए, स्क्वायर साइड ए, देखना जरा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आई बाई 4, इधर कितना आई बाई 4, इधर कितना आई बाई 4, यहां से कितना जाएगा 3i/4, है ना। ये शॉर्ट पार्ट है तो यहां से ज्यादा करंट फ्लो होगा। आप ऐसे मान के चलो कि ये 3 times द रेजिस्टेंस है, तो यहां से i/4 करके यही i/4 तो यहां से जाएगा, और यहां से कितना चला जाएगा अकेले 3i/4, तभी तो यहां से आई निकलेगा। पहले बता यहां तक क्लियर है, उसके बाद ही आगे कुछ बताऊंगा मैं। ये समझ में आया क्या? इतना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के बाद इतना तो समझ में आना चाहिए। यहां पे क्लियर है क्या? इधर देख, अब मैं बोलूं कि कोई एक मिनट रुक, मैं बोलू कोई पूरा डायग्राम भूल जा, कोई एक वायर को देख, इस वायर को कट कर ले, सिर्फ इस वायर को देख, ये स्क्वायर बोला हुआ है ना। अगर ये सेंटर है, सेंटर है, ये इसका डी ये होना चाहिए, क्या ये ए बाई 2 है उसका डी? देख, इस तार के चलते ए बाई 2 है क्या? मतलब ये भी 45, ये भी 45, क्या बोलता है प्रतीक? तो इस वायर के चलते, ये एक टुकड़ा, इस वायर के चलते सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा? म्यू नॉट आई बाई 4 बाई 4 पाई इंटू ए बाई 2 साइन 45, मतलब 2 sin 45, क्या बोलता है यार? तो म्यू नॉट आई i/4 ही लिख देता हूँ, और 4 पाई इंटू ए बाई 2, है ना। ये 2/√2 है शायद, देख तो जरा, 2/√2 ऐसे ही रखना, इंटू इंटू करके काटा कुटी कर सकता है। ये एक ताड़ का है,
डायरेक्शन बता तो, उस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन इधर, ये देख तो, इस वायर के चलते मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। अरे भाई तू ध्यान से देख, इस वायर के चलते भी अंदर ही है, ये 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 सब अंदर, इन तीनों के चलते अंदर है ना, लेकिन इसके चलते ये देख बाहर है ना। तो इस एक तार के चलते तो इतना, वो भी अंदर, तो तीनों तार के चलते, अरे सिंपल है भाई, इंटू थ्री मारे क्या दुबे सर, इंटू थ्री मारिए ना तीनों तारों के चलते है ना, अकेला इस तार के चलते, वो भी लिख, इस तार के चलते क्या लिखा जाएगा सेंटर पे, ये अपना ए बाई टू, क्या लिखा जाएगा म्यू नॉट थ्री आई बाई फोर, फोर पाई इंटू ए बाई टू, ये भी अपना वही टू बाई रूट टू। लेकिन बहुत ध्यान से देखेगा, इसका डायरेक्शन तो बाहर की ओर है ना, और इसका डायरेक्शन तो अंदर की ओर है। एक मिनट, सेम वैल्यू है क्या दोनों, दोनों वैल्यू क्या है सेम ही है, एक अंदर एक बाहर, तो बी नेट कितना आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट जीरो। बोलो क्लियर है, क्लियर है तो बोलो, ये आधा अधूरा सॉल्यूशन है। क्लियर है तो बोलो, ये आधा अधूरा सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन का एक और पहलू जानेंगे तभी अपने को पूरा 100% फील आएगा। बोले क्लियर है क्या। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुन, एक इंपॉर्टेंट कहानी सुने, अभी रुक जा, तू ध्यान देखा है, तू लोग ध्यान दिया होगा, जब मैं ये डायग्राम बना रहा था ना, तो इस लाइन को बनाने से पहले ऐसे ऐसे कर रहा था, ऐसे ऐसे, मतलब इसका मतलब ये है, कई लोग सोच रहे सर उसमें भी बात है, नहीं नहीं कहने का मतलब है, मैं इस वायर को स्क्वायर का सेंटर से पास करवाना चाहता था, और इस वायर को भी इस स्क्वायर का सेंटर से पास करवाना चाहता था। क्यों, सोच के देखा है, गलती से भी ये वायर थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दूं ना, ऐसे थोड़ा टेढ़ा कर दूं, तो क्या ये सेंटर से नहीं जाएगा, और अगर नहीं जाएगा ना, तो इस वायर में करंट है, इसके चलते यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, बोल आएगा कि नहीं आएगा। फिलहाल तू बोले सर अभी भी बता सकता है, नहीं, फिलहाल जो कि ये पॉइंट इस वायर के, प्रोजेक्टेड वायर के ऊपर ही है, तो अगर जो कि ये वायर एकदम इस पॉइंट के ऊपर से ही जा रहा है, तो ध्यान से देखो, इस वायर के चलते अगर तुम डी बनाना चाहोगे ना, डी जीरो है। अरे इसका फ्री बॉडी सोचो ना, ये ऐसा वायर है, मैंने बोला यहां मैग्नेटिक फील्ड बता, अबे डी तो जीरो है, अगर यहां बताता तो ना कुछ यहां पे करके ये लेता डी, अब साले पॉइंट उसी लाइन के ऊपर रख दोगे तो डी तो जीरो आएगा ना, इसीलिए ये लाइन को सेंटर से पास करवाया, ताकि इसका भी अपना जीरो आए, डी इसका भी जीरो आए। बोलो क्लियर, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अगर सोच जरा सा भी, अगर ये सेंटर से नहीं जाता तो क्या फील्ड आ जाता, तो फिर हम लोग बी नेट को जीरो नहीं लिख पाते। अब बोल क्लियर है, अबे सभी अंदर बोल प्रतीक, ए तो आई पे अंदर अंदर अंदर, सब अंदर है। कौन सा ट्रायंगल, अभी सुन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। हाँ मुझे पता है तुम कौन सा ट्रायंगल इसलिए पूछ रहे हो कि तुम्हें ये डी चाहिए, मुझे तो पता है, इसीलिए मैं शुरू में बोला था, सुनता तो हो नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता है ना, मेंसुरेशन क्लास 9। आइए, ये हाइट कितना होता है, अगर ये साइड ए है, सारे साइड ए है, तो ये क्या रूट थ्री बाई टू इंटू ए होता है, देखिए हाइट होता है ना, है ना, रूट थ्री बाई टू इंटू ए, ये हाइट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। मैं बोलूं कि इस जगह पे तुम्हें पता होगा शायद, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन, ऑल्टीट्यूड सभी सेम है,
तो ये पॉइंट को अगर पकड़ा जाए, तुम्हें ये बात ही पता है ना, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड सब सेम होता है, तो ये 2:1 रेशियो में होता है। तुझे पता है ना ये पॉइंट 2:1 रेशियो में होता है। तो सोच, अगर ये लेंथ चाहिए, ये एक्चुअली ये जो लेंथ है इसको बाई 3 कर दे क्या, ये एक्चुअली ये जो लेंथ है इसको बाई 3 कर दे क्या, तो ये लेंथ आएगा। सो बेसिकली इट्स √3/2 × 3, 2 × 3, तो ये लेंथ आएगा। सो बेसिकली इट्स √3/2 × 3, 2 × 3 × a, इससे इसे कटा तो a/√3, ये आपका d है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, μ0I/4π (a/√3) (sin 60)। अरे दोनों ही 60 है ना, हाँ, तो 2 × sin 60। देख जरा, μ0I/4π (a/√3) (2√3/2) थ्री, ये इससे कटा 2, तो 3μ0I/2πa, मेरा तो यही आंसर है, आंसर मैग्नेटिक फील्ड। देख जरा सही है क्या, पक्का सही है क्या, देख तो जरा, ये भी 60, ये भी 60 है कि नहीं, ये आपको पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सब स्टैंडर्ड है ना, तो ये 60 होगा तो ये 60 होगा। अब तू ये पूछ सकती है कि ये 60 कैसे है, उसके लिए मेरे को ज्योमेट्री पढ़ाना पड़ेगा, मतलब तेरा क्लास 9-10 गया हुआ है। अबे ये 90, ये पूरा 60, और ये एंगल बाइसेक्टर मतलब ये 30, ये 30, ये 90, ये 60, ये 60, ये 60, ये 90, ये 30, ये बताना मेरे को तेरे को। हाँ 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 √3 आएगा। अरे √3 मार के नहीं बोला क्या मैं, ओ अच्छा मैं एक वायर का निकाला, एक मिनट, हाँ √3 ना, हाँ ठीक है √3, थैंक यू प्रतीक। इसका भी √3 जाएगा, तीन वायर का, तीनों अंदर है। आया समझ में, सबको समझ में आ रहा है नवीन? डीप्स डीप्स घुमा, अच्छे फोन टाउन रखे। अच्छा साक्षी गोयनका, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आई यहां से एकदम मिड पॉइंट, ये अपना डी दूरी, ये अल्फा, ये पूरा अल्फा है, तो ये α/2 α/2 है ना। यहां मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डी दूरी पे, डी दूरी पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ मतलब थोड़ा भावनाओं को समझो, वो इक्वल ही है। अब सही है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड करंट, खाली ये देख लिया कर, सिर्फ ये देख लिया कर कि यहाँ पे सिंपल सेम डायरेक्शन है या डायरेक्शन अलग हो जा रहा है, सोचना। ये देख अंदर अंदर, दोनों के लिए अंदर है ना। अब अगर दोनों के लिए अंदर है तो सिर्फ एक का निकालोगे, √2 मारोगे, काम हो जाएगा। एक का निकालो, √2 मारो, काम हो जाएगा। साक्षीज यहां पे परपेंडिकुलर डाल दे, तू ध्यान से देख, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, क्या ये वाला लेंथ ही तेरा डी है? ये तो डी नहीं है, ये नकली डी है, ये डी होगा शायद। देख तो d sin α/2, क्या बोल दो यार। अरे पक्का d sin α/2, देख पांडे एक बात बता, ये 90 सुनना पांडे, ये 90 ये कितना,
क्या ये 90 माइनस अल्फा बाई टू? मैं करता हूं ये सवाल, मैं समझ गया तुम लोग से नहीं हिलेगा। देखो ये तो इनफाइनाइट का केस है ना पांडे, तू एक विंग का निकाल ले, तू एक विंग का निकाल ले, ये एंगल है 90 माइनस अल्फा बाई टू और ये एंगल कितना है, ये इनफाइनाइट है ना, तो ये 90 दुबे, तो सिर्फ एक विंग का निकालेगा, क्या लिखेगा इस जगह पे? मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई फोर पाई आई इंटू, यहां पे लिखेगा डी साइन अल्फा बाई टू इंटू, एंगल पे लिखा जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा बाई टू प्लस साइन 90। गलत तो नहीं लिखा? देख ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा तेरे को, इसको इंटू टू मारना है, ले टू इंटू, देख जरा गलत तो नहीं लिखा? डोना सबको ही देखो जो लोग हो, थोड़ा सा रिस्पॉन्स करो। देख गलत तो नहीं लिखा? इस स्टेप पे कोई आपत्ति है तो बोल। और डी साइन अल्फा बाई टू और मैं साइन, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा, एक माइनस नहीं हो, क्योंकि इस सेंटर के बीचों बीच इधर उधर, सही है सब ठीक। आगे देख टू इंटू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई इंटू डी साइन अल्फा बाई टू, तू ध्यान से देख ऊपर वाला, ये तो कॉस अल्फा बाई टू है और ये वन, तो ध्यान से देख ऊपर वाला है 1 प्लस cos अल्फा बाई टू। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री चालू होगा, 1 प्लस cos थीटा, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू होता है? देख वहां पे 2 इंटू म्यू नॉट आई बाई फोर पाई इंटू डी साइन अल्फा बाई टू, ध्यान से देख तो वो 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई फोर है और ये टू मिलके ये फोर से कटा, तो म्यू नॉट आई बाई पाई डी। अच्छा साइन अल्फा बाई टू को तुम लिख सकते हो टू साइन और सब मल्टीपल में अल्फा बाई फोर इंटू कॉस अल्फा बाई फोर, क्या बोलते हो यार? इट्स एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, वेरी नाइस, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई फोर, एक कॉस नीचे से कट गया तो एक कॉस और साइन बचता है, तो आएगा आंसर म्यू नॉट आई बाई टू पाई डी इंटू कॉट अल्फा बाई फोर आंसर। एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, मतलब रूट थ्री, अच्छा कौन सा ट्राइंगल ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, रूट थ्री बाई फोर इंटू ए स्क्वायर। अच्छा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा कभी सोचो अगर मैं तुम्हें पूछूं बताओ एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा, किसी को पता है क्या हेक्सागन का एरिया? बताओ, तुम ध्यान से देखो, तुम्हारा ज्ञान जो है ना 2D's पे, तुम्हारा नॉलेज रेक्टेंगल स्क्वायर और सर्कल पे या फिर ट्राइंगल का एक दो तरीके पे सीमित है, 2D फिगर तो पेंटागन भी है, तुझे कौन सा पता है एरिया? हेक्सागन पेंटागन हेप्टागन होता तो है ना, उनका एरिया भी होता है, बट वो अपने को पता। ऐसे ही एक दिन मेरे को मन हुआ मेरे को कि हेक्सागन का एरिया निकाला जाए, अगर कोई मेरे को पूछ ले, मैं तो पढ़ाता हूँ, हेक्सागन का एरिया पूछ ले तो मैं क्या बताऊँगा, पेंटागन का एरिया पूछे तो मैं क्या बताऊँगा, तो मेरे को मन हुआ निकालते हैं फॉर्मूला, तो मैंने निकाला ठीक है। हाँ मैं वो जो फॉर्मूला दिया था, अरे हाँ वैसे ही निकालते हैं, मतलब सुन पहले, पहले से हेक्सागन समझ, अरे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, सुनिए तो सही पहले। ओहो तो मैंने क्या किया, हाँ ट्रायंगल 6, वाह बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबको याद है। प्रतीक सोच रहा है इस रे इंटू 100 नहीं बोल पाया। अच्छा अगर मान ली ये हेक्सागन है तो इसका कितना साइड है, 6 साइड, मैं सबका रेगुलर हेक्सागन समझा ठीक है, ये साइड ए। अच्छा ये एक एंगल कितना हो जाएगा,
एक एंगल तो 60 डिग्री का होगा, नहीं 60 60 60 60 60 360 सही है। तो फिर आधा का कितना होगा, आधा का तो कितना होगा, आधा का तो 30 डिग्री होगा ना। अच्छा ये तो हेक्सागोन का बात है। अब सोच ले अगर मेरे को रेगुलर पॉलीगॉन कोई बोल दे तो। अच्छा तुम रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या, ऑक्टागॉन डेकागॉन नॉनागॉन और पता नहीं 100 साइड्स 20 लाख साइड, ठीक है पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन जिसका साइड ए, तो रेगुलर पॉलीगॉन का पूरा एंगल कितना होगा, वो भी 360। क्या 100 गॉन होता, ए छोड़ो तुम गॉन हो, खैर तो ये अपना एक बात तो अपने को पता है ना, ये टोटल एंगल कितना है, मानते हो ये टोटल एंगल है सर जो भी हो 360 बाई एन, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ नहीं, ये ए जो है ये लेंथ है, पॉलीगॉन का साइड लेंथ है, और ये एन जो है ये नंबर ऑफ साइड्स है ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल तो ये 180 बाई एन, क्या बोलते हैं। अब मैं तेरे को बोलू कि ये लेंथ पांडे, ये लेंथ तो ए बाई टू है, और ये लेंथ है कुछ होगा कुछ। अब सोच, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इस ट्राइंगल को देख बढ़िया से, इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल में टेन थीटा बोल सकते हो क्या, मैं पूछू तुमसे टेन 180 बाई एन, मैं से पूछ लिया तो क्या लिखोगे, शायद लिखोगे ए बाई टू बाई कुछ, है ना। तो कुछ क्या निकल के आएगा, ध्यान से देखो, तो कुछ निकल के आएगा आपका ए बाई टू इंटू कॉट 180 बाई एन, मानते हो क्या। अब और ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल डोना, यही पूरा ट्राइंगल टा, यही पूरा ट्राइंगल टर एरिया बोलो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो एरिया वुड बी इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू ए बाई टू कॉट 180 बाई एन, पहले बता क्लियर है क्या। अब कितने ट्राइंगल है, एन, एक एन मल्टीप्लाई कर दो, पूरा रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया है, रेगुलर पॉलीगॉन एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एन अपॉन फोर इंटू कॉट 180 बाई एन, क्या ये सही है, पहले बता क्या ये समझ आया। मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, आइए सर ये ना, अबे एकदम लल्लू सवाल है, अब ये वो वाला कॉन्टेक्स्ट समझाना, तो ये लल्लू सवाल है। तुम्हें ये डी चाहिए ना, तुझे आता है ये डी तो अभी निकला था, शॉर्ट एकदम शॉर्ट, यही डी तो निकाला था ना, पता नहीं क्या निकाला था अभी, ए बाई टू हाँ कॉट 180 बाई एन, अरे ये निकाला था ना कुछ देर पहले, देख तो जरा, ए बाई टू कॉट 180 बाई एन, देख लिख सकते हैं ना, हाँ मैं पूछ रहा हूं a बाई टू। अच्छा इस a को भी हम लोग लिख सकते हैं प्रतीक, उस a को भी थोड़ा स्टाइल मार के लिख सकते हैं, मैं क्या बोलता हूं सोच थोड़ा सा, अच्छा रुक अभी नहीं, तो इसको लिख सकता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखेगा इस ट्रायंगल के चलते, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू ए बाई टू कॉट 180 बाई एन इंटू एंगल 2 साइन
180 बाई n। देख तो जरा सही लिखा क्या, लिख दिया मैग्नेटिक फील्ड एक साइड के चलते, एक साइड के चलते लिख दिया, और ये ले इनटू कर दिया n, आ गया मैग्नेटिक फील्ड सबके चलते। अरे रुक जा प्रतीक, रुक जा, 100 साइड का पॉलीगॉन सर्कल नहीं होता। अरे रुक जा, मेरे को सब पता है ना, तू पहले देख ना यार, तू इसे n साइडेड मान, 50, 60, 80 साइड, तब भी वो परफेक्ट सर्कल, 80 साइड का पॉलीगॉन ले लो तब भी वो परफेक्ट सर्कल नहीं है। बताऊंगा एक स्पेसिफिक टर्म, ये कब परफेक्ट सर्कल है, आप सोच के देखो, ये परफेक्ट सर्कल तब है जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, n को आप इनफाइनाइट मान लो, है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी 20 करोड़ साइड्स, तब आएगा शायद परफेक्ट सर्कल। इफ द n अप्रोचेस इंफिनिटी देन योर पॉलीगॉन अप्रोचेस टू सर्कल, अदरवाइज नॉट, है ना, सोच के देखिए। तो यहां पे सोचो, अभी मैं बोला कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, n से इनटू मारे तो यही मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं, बताइए क्लियर है कि नहीं साक्षीज, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है। देख ये एक साइड के लिए यहां पे लिखा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, ये रहा अपना d, मतलब ये कुछ तो है ना, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये वाला थीटा कितना हो जाएगा 180 बाई n, ये कितना हो जाएगा 180 बाई n, तो टोटल कितना होगा 2 इंटू साइन 180 बाई n, बोलो क्लियर, और उसी के साथ इंटू n लगा दिया, n इंटू कर दिया, है ना, तो क्या आएगा यहां पे, हाँ, तो ये आ गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। ये सर्कल का है या रेगुलर पॉलीगॉन का है, ये रेगुलर पॉलीगॉन का है, लेकिन आप एक बात समझे, ये तो रेगुलर पॉलीगॉन का मैग्नेटिक फील्ड है एट द सेंटर, लेकिन अगर मैं n को इंफिनिटी पे टेंड करवाऊं, मैं पूछ रहा हूं, n को अगर मैं इंफिनिटी पे टेंड करवाऊं, सुनना बढ़िया से, तो क्या वो सर्कल का होता है, यहीं से अपना सुनो, अगर मैं n को इंफिनिटी पे टेंड करवाऊं तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कल हो जाएगा। अच्छा भाई, लेकिन फिर एक दिक्कत वाली बात है, पता है एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है सर, अगर आप इसे सर्कल लोगे, अगर अबे रुक बे, अगर आप इसे सर्कल लोगे ना, तो फिर इस ए को क्या लोगे, इस ए को क्या लेगो, क्योंकि एक साइड का वैल्यू तो ए था, इस ए को क्या लोगे आप, अगर ये सर्कल हो जाएगा तो जानते हो उस, अगर ये सर्कल हो जाएगा ना तो वो ए कहलाएगा, मानते हो कि नहीं, वो ए कहलाएगा 2πr/n, वो ए कहलाएगा 2πr/n, देख तो ये ए क्या 2, अरे यार पूरा सर्कमफेरेंस और n नंबर n से डिवाइड कर देंगे तो वो एक छोटा सा छोटू ए है, क्या बोलते हो यार, वो ए क्या कहलाएगा 2πr/n, फिर यहां पे रख दे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, हाँ फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4π इंटू एन डिवाइडेड बाई, यहां लिखा जाएगा 2πr/n इंटू कॉट, हाँ सही है, हाँ सही तो है, एकदम सही है। अच्छा 2πr/n तो ये a था और यहाँ पे a बाई 2 था ना, तो ऊपर में एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक 2 तो है ही, cot 180/n, एक 2 और है इंटू साइन 180/n, देख तो जरा सही है क्या, हाँ सही है। अच्छा एक और चीज, ये 2 2 और ये 4 से कट गया तो ये n भी ऊपर चला जाएगा तो आएगा n स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई बाई 2π² r और इंटू में ऊपर में है n स्क्वायर इंटू
अच्छा इसको कॉस बाई साइन कर सकते हैं, तो ऊपर में चला जाएगा साइन स्क्वायर 180 बाई एन डिवाइडेड बाई कॉस 180 बाई एन। देखना जरा सब कोई, अभी भी ये किस चीज का है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पॉलीगॉन नॉट अ सर्कल। अब अगर मैं सर्कल को एन को इंफिनिटी पे टेंड करवाऊं तो यहां पे लिमिट लगा जैसे कि पांडे सिखाया, पांडे ने बोला यहां पे लगाइए लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहां पे क्या होगा म्यू नॉट आई बाई टू आर, और ये लिमिट को कैसे सजाया, देखिए यहां पे पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर दिख रहा है क्या सबको, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर दिख रहा है क्या वहां पे, उसको थोड़ा ढंग से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए साइन स्क्वायर 180 अपॉन एन, 180 मतलब ही तो पाई होता है ना, अच्छा तो अब पाई लिख देता हूँ, पाई बाई एन, और यहां पे लिखा जाएगा पाई बाई एन का होल स्क्वायर इंटू, यहां पे लिखा जाएगा कॉस पाई बाई एन। अब सोच ये पूरा पार्ट क्या है, लिमिट्स, तो ध्यान से देखिए पूरा पार्ट वन है और इन्फिनिटी को यहाँ टेंड करवाएगा तो 1 बाई इन्फिनिटी 0 कॉस 0 1, मतलब बी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 आर। जब वो रेगुलर पॉलीगॉन सर्कल को टेंड करेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट द सेंटर क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। बोलो क्लियर है क्या?